तो बच्चों अभी तक हमने मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की प्रतिस्थापन लोच के बारे में समझा। तो देखिए मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की प्रतिस्थापन लोच एक दूसरे से संबंधित हैं। एक फार्मूले के द्वारा अगर हम आपको एक फार्मूला बता देंगे, उसके द्वारा अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हो जिसमें मांग की कीमत लोच निकाल सकते हो, अगर आपको मांग की आय लोच दी हो, मांग की प्रतिस्थापन लोच दी हो और कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो वस्तु पर वो दिया हो, तो आप निकाल सकते हो मांग की कीमत लोच। तो किस तरीके से निकालेंगे बच्चों, वो हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फार्मूला बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो कीमत लोच होती है, कीमत प्रभाव होता है, वो सम होता है किसका, आय प्रभाव का प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव का। ठीक है, इसका मतलब अगर मान लीजिए किसी गुड्स का प्राइस घटता है तो प्राइस घटने से क्या होगा, जो रियल इनकम है यानी कि वास्तविक आय वो बढ़ जाएगी, जिससे उसकी जो मांग है, अगर देखिए सामान्य वस्तु है तो सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, है ना, डिपेंड करता है वस्तु कैसी, तो नॉर्मल केस मान रहे हैं तो वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाएगी, यानी कि ये वस्तु की कीमत घटने का ही आय प्रभाव है। ठीक है, यानी कीमत घटने से वास्तविक आय बढ़ गई, वास्तविक आय बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ गई, ये वस्तु का क्या है, आय प्रभाव है। इसी तरीके से प्रतिस्थापन प्रभाव कहता है कि वस्तु जो है, यानी कि वस्तु मान लीजिए वस्तु एक्स की कीमत घट गई है तो वस्तु एक्स जो है वो प्रतिस्थापनली सस्ती हो गई है और वस्तु वाई जो है वो महंगी हो गई है, इसलिए उपभोक्ता क्या करेगा, वाई वस्तु के स्थान पर एक्स वस्तु की मांग को, एक्स वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। तो ये प्रतिस्थापन प्रभाव है, यानी कि आप ये जो इसी तरीके से अगर आप जोड़ देते हो, मतलब आय लोच निकालने के लिए, प्राइस लोच निकालने के लिए आप आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव की लोच और साथ ही साथ उसका जो कुल व्यय का अनुपात है उसको अगर आप जोड़ देते हो तो आप कीमत लोच को ज्ञात कर सकते हो। तो क्या फार्मूला है बच्चों, एक बार आप फार्मूला जरूर देख लीजिएगा। देखिए फार्मूला हम यहां पे लिख देते हैं, फार्मूला है ई पी, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, सबसे पहले हम लिख रहे हैं के एक्स, यानी कि ये वो अनुपात है जो वस्तु पर खर्च किया जाता है, इंटू ई आई प्लस वन माइनस के एक्स इंटू ई एस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों आपकी सुविधा के लिए, ईपी का मतलब क्या है, ईपी का मतलब है मांग की आय लोच, सॉरी मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। ई आई का मतलब है मांग की आय लोच और ई एस का मतलब है मांग की प्रतिस्थापन लोच। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा हो गया के एक्स का मतलब है आय का वह अनुपात जो वस्तु x पर खर्च किया जाए, x वस्तु x पर व्यय किया जाता है, और 1 माइनस के एक्स का क्या मतलब है, आय का वह अनुपात जो अन्य वस्तुओं पर व्यय किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। तो एक न्यूमेरिकल बच्चों हम समझ लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। देखिए एक न्यूमेरिकल मेरी बुक में लिखा हुआ है कि माना कि एक वस्तु एक्स की मांग की आय लोच ई आई टू है, तो हम यहां पे लिख देते हैं, यानी कि मांग की आय लोच हमें दी हुई है टू। तो इस वस्तु एक्स तथा वाई वस्तु की प्रतिस्थापन लोच जो है, दूसरी वस्तु यानी कि इस वस्तु x तथा दूसरी वस्तु y की जो प्रतिस्थापन लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो 3 है। इसके अलावा उपभोक्ता x वस्तु पर अपनी आय का 1/10 हिस्सा खर्च करता है, यानी कि जो kx है
2/10 है। तो आपको पता करना है मांग की कीमत लोच, यानी कि आपको की इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पता करनी है। देखिए फॉर्मूले को पुट करते हैं। सबसे पहले इलास्टिसिटी पता करने का क्या फॉर्मूला है, के एक्स यानी कि 1/10 मल्टीप्लाई, यहां पे देखिए इलास्टिसिटी जो है इनकम वो 2 दे रखी है, तो मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस इलास्टिसिटी ये हमारा हो गया 1/10 है, तो ये हम लिखेंगे ऐसे 1-1/10 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 3 से। ठीक है बच्चों, तो ये जो देखिए बचेगा कितना, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/10 प्लस, अब ये बचेगा 9/10। ठीक है, 9/10 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी ये हाँ ये 9/10 बचेगा, 9/10 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 27/10। ओके बच्चों, तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 29/20। हाँ ठीक है, 29/10 सॉरी एलसीएम लिया ना, ओके 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 29/10। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 2.9 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो एलसीएम लिया है ना हमने 2/10 एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 20 नहीं आएगा, ऐसे नहीं जोड़ते। ठीक है, इसी तरीके से जोड़ते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये मान लेते हैं, सपोज कीजिए हम ये मान लेते हैं कि जो आंसर है वो 2.9 है, हालांकि हमने जो माइनस का साइन है वो सारे के सारे छोड़ दिए, हालांकि माइनस का साइन भी यहां पे आना चाहिए था लेकिन हमने सुविधा के लिए माइनस के साइन को छोड़ दिया है। तो इस तरीके से बच्चों हम इलास्टिसिटी पता कर सकते हैं, यानी कि जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो 2.9 होगी। हम एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसमें देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, हमारी इनकम इलास्टिसिटी जो है वो 1 के बराबर है, सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी भी 1 के बराबर है, और जो हमारा एक्सपेंडिचर दिया हुआ है जो हम एक्स वस्तु पे खर्च कर रहे हैं वो 1/4 है, तो हम 1/4 ही ले लेते हैं। तो किस तरीके से बच्चों निकालेंगे, देखिए इलास्टिसिटी निकालने के लिए 1/5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1 से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसको प्लस कर देंगे 1/1-1/5 इनटू में 1 से, तो ये हमारा देखो कितना बचेगा, ये होगा 1/5 प्लस ये बचेगा हमारा 4। ठीक है, 5 को 1 से माइनस करेंगे तो ये होगा 4/5 बचेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 5/5 यानी कि आंसर जो है 1 है। तो इसका मतलब अगर प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी दोनों ही दी हुई है 1:1, सॉरी इनकम इलास्टिसिटी एंड सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी दोनों ही 1:1 दी हुई है, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो भी 1 के बराबर होगी। तो बच्चों इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।